मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसका खौफ कभी मऊ गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में था। अपराध से लेकर के सियासत तक उसका वर्चस्व था, लेकिन अब मुख्तार इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार का शव गाजीपुर उसके घर पहुंच चुका है। आज उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। जिस वक्त उसका शव गाजीपुर पहुंचा है, समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, आखिरी दर्शन करने वालों की लंबी लाइन लग गई। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं अभी तक की डेवलपमेंट क्या क्या है, ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना है। आज मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंच गया और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर पहुंचा है शव। देर रात बांदा से गाजीपुर लाया गया है मुख्तार अंसारी का शव। आज किया जाएगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार। वहीं मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी। देखिए, ये देर रात की तस्वीरें हैं जब गाजीपुर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव। पैतृक घर पर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव और आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना है कालीबाग कब्रिस्तान में। इससे पहले पोस्टमार्टम हुई है और पोस्टमार्टम में मौत की वजह हार्ट अटैक को ही बताया गया है। एक और बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई है। सब पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ वहां जुटनी शुरू हो गई। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। जो समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के, वो मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंच गए भारी संख्या में। हालांकि भारी सुरक्षा बल भी उस दौरान मौजूद रही। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी के शव को मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंचाया गया। और जब मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद उसके घर पर पहुंचा तो वहां के क्या हालात थे, बता रहे हैं वहां पर मौजूद टीवी 9 रिपोर्टर कुमार कुंदन। देखिए उनकी रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे ये पहुंच रही है, वो काफिला बढ़ता हुआ उसके गाँव की ओर। और ये वो जगह जो फाटक जो इलाका है, जिस मोहम्मदाबाद का जो इलाका है, इसी इलाके में ये गाड़ियां पहुंच रही हैं और मुख्तार अंसारी का ये पार्थिव शरीर आप देखिए, इसके पीछे जो बड़ी गाड़ी है उस गाड़ी में मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर है और इसी गाड़ी के माध्यम से मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है कैम, ये जो तस्वीर दिख रही है उस तस्वीर में मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर है और ये देखिए इसी एम्बुलेंस में है और इस एम्बुलेंस के माध्यम से आप शव वाहन जिसमें लिखा हुआ है इसमें वो पार्थिव शरीर है और वो पार्थिव शरीर इसमें दिख रहा है और वो घर की ओर जो है मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर जो है आता जाता हुआ दिख रहा है। और तकरीबन 7 घंटे लगे यहाँ से आने में। अगर हम बात करें तो वहाँ से बांदा से और उसके पीछे मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार है। आप देख सकते हैं कि उनके बेटे गाड़ी में दिख रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ हैं और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और ये उस जगह पे पहुंच रहा है जिस जगह पे मुख्तार अंसारी का घर है। ये देखिए जो तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें उसके इसके गाड़ी को अंदर जो है ले जाया जा रहा है और उनके 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 जो है परिवार के सदस्य हैं वो सदस्य यहाँ पे आ रहे हैं और ये गाड़ी को जो है रोका जा रहा है यहाँ पे और शव वाहन जो है जो सामने में आप देख सकते हैं उस शव वाहन को अंदर ले जाया जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए, ये परिवार की सदस्य हैं, महिलाएं हैं, वो आपको दिख रही होंगी। वो मुख्तार अंसारी का जो है पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है और ये वही घर है जो सामने जो आप देख रहे हैं, इस घर पे उसको रखा गया है। और कल, माफ़ी चाहूँगा, आज 1 बजे दिन में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी है, पूरा पुलिस का प्रशासन और तमाम जो व्यवस्था है वो लगी हुई है। मुख्तार अंसारी को आज ही दफना दिया जाएगा। उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, क्या तैयारी है, आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी जल्दी से दे देते हैं। मुख्तार के आखिरी सफर की हो गई है पूरी तैयारी। जानकारी यह है कि सबसे पहले नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक किया जाना है और उसके बाद जानकारी यह है कि आज दोपहर 1 बजे के करीब
मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारी सुरक्षा बल इस वक्त मोहम्मदाबाद में नजर आ रही है। नमाज के बाद कहा जा रहा है कि सुपुर्द खाक किया जाएगा, मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां से पूरी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। ये मुख्तार परिवार का पुस्तैनी कब्रिस्तान है जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना है और माता पिता के बगल में ही मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। तो ये जानकारी मिल रही है मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई। मुख्तार के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है, कब्रिस्तान के बाहर भी भारी सुरक्षा बल है, पूरे गाजीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए कब्रिस्तान से लेकर के आवास तक हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस सतर्क है। तो सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है ये भी जानिए, आपको जल्दी से बता देते हैं। मुख्तार के अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा कैसी रहेगी, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। गाजीपुर और मऊ में धारा 144 लागू की गई है। घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा चाक चौबंद है। आसपास के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी मुख्यालय से सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और गाजीपुर से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रुपेश, कल हमने देखा कि जिस तरीके से शव को लाया गया है पैतृक आवास पर और आज सुपुर्द खाक किया जाएगा दोपहर 1 बजे के करीब की जानकारी है और भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है मोहम्मदाबाद में। इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं जानकारी दीजिए और आसपास की तस्वीरें कैसी हैं? देखिए बिल्कुल, गाजीपुर से लेकर के और मोहम्मदाबाद तक रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और 10 बजे पूरी जो प्रक्रिया है दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी 10 बजे से। पहले ही जो उनके भतीजे हैं उन्होंने भी कहा था और उनके बड़े भाई हैं उन्होंने भी कहा था कि चूंकि विलम्ब हो चुका है 1 बजे के बाद शव वहाँ पहुँचने की पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि जितने बजे बांदा से चली है पूरा काफिला चला है उसके अनुसार से प्लान बनाया गया। फिर वाराणसी DIG को इतला किया गया, परिवार के लोगों ने ये इतला दिया कि इस वक्त संभव नहीं है। हालांकि देर रात की भी तैयारी की गई थी कि लाइटिंग वगैरह लगा दिया गया था, तब ये उम्मीद थी कि अगर 3 बजे भी अगर बांदा से शव काफिला चलता है तो शायद 12 बजे के पहले पहुँच जाए, लेकिन वैसा संभव नहीं हुआ। लिहाजा उसके बाद आज 10 बजे सबसे पहले जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद से जो प्रक्रिया होती है गुसलू कफनाया फिर दफनाया, यानी कि एक प्रक्रिया है कि पहले नहलाया जाएगा, इत्र लगाया जाएगा, उसके बाद से कफन पहनाया जाएगा और उसके बाद से फिर जो उनका पैतृक कब्रिस्तान है जो कालीबाग में पैतृक कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में, हालांकि कब्रिस्तान में अंदर जाने की इजाज़त कुछ कम ही लोगों को होगी क्योंकि उम्मीद है देर रात जैसे शव यहाँ पे आया बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पहले सुबह तो लोगों को पता है कि 10 बजे से दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, लिहाजा अभी बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया है कि हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है कौन है, इस इलाके के हैं या फिर कहीं बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि कल भी पुलिस को यह अंदेशा था। हालांकि उनके बड़े भाई ने ये जरूर TV9 से बातचीत करते हुए कहा था कि ना तो हम कोई विरोध जताने जा रहे हैं, ना धरना ना प्रदर्शन, हम सब्र में हैं और अल्लाह ने जो किया है उनका साथ यहीं तक था, हम पूरे परिवार को सब्र है। लेकिन आज 10 बजे से जो प्रक्रिया शुरू होगी वो 1 बजे यानी कि 1 बजे उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसके बाद से कब्र पर फातिहा पढ़ा जाएगा और उसके बाद से परिवार के लोग जो पुश्तैनी मकान है, हालांकि 100 मीटर की दूरी है कब्रिस्तान और उनका जो पुश्तैनी मकान जिसे फाटक कहते हैं, फाटक और पुश्तैनी कब्रिस्तान के बीच में लगभग 100 मीटर का फासला है और उस पुश्तैनी कब्रिस्तान में उनके परिवार के ही लोग हैं। हाल ही में जब उनके पिताजी की मौत हुई थी तब भी वो जेल में थे और वो पैरोल पर बाहर आए थे, लेकिन उनके बड़े बेटे जो विधायक हैं अब्बास अंसारी वो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिलहाल कुछ तकनीकी कारणों से ना तो उन्हें पैरोल मिला है और अगर पैरोल मिलता भी है तो वो 10 घंटे का सफ़र है तो वो इंतज़ार नहीं किया गया। छोटे बेटे हैं उनके उमर अंसारी जो कि यहाँ से लेकर बांदा तक गए थे, उन्होंने जो सवाल भी वहाँ पहुँच कर खड़ा किया था और शव का जब पोस्टमार्टम हुआ उस पूरी प्रक्रिया में पंचनामा के दौरान पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ पे मौजूद रहे, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई, उसके बाद शव उन्हीं को सुपुर्द किया गया और पूरे काफिले के दौरान जो शव वाहन था एम्बुलेंस उसमें वो मौजूद रहे, उसमें पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, 2 ट्रक पुलिसकर्मी थे। रुपेश, आप आगे भी नजर बना रखिएगा, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए मोहम्मदाबाद से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की पूरी जानकारी
जानकारी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और आज ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा दोपहर 1 बजे के करीब। और दो तस्वीरें फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर है जब मोहम्मदाबाद जहां पर पैतृक आवास है मुख्तार अंसारी का, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तो दूसरी तस्वीर आप उस दौरान की देख रहे हैं जब शव लाया गया था मुख्तार अंसारी का और परिजनों को सौंपा गया था। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वॉर जोन से आ रही खबरों की। क्रेमलिन ने यूक्रेन में स्पेशल फोर ऑपरेशन शुरू किया है और उसके कई शहरों को निशान बना दिया है। रूस के 26 न्यूक्लियर बॉम्बार फाइटर जेट युद्धपोत और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के कई शहर धधकने लगे हैं। तो रणभूमि में गर्जी है रूस की MLRS, यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए गए, रॉकेट बरसाया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने हो गए हैं तबाह। और अगली बड़ी खबर, रूस के बेलग्रोड में ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया, इमारत पर ड्रोन अटैक का वीडियो। ड्रोन हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। तो क्रेमलिन ने यूक्रेन में स्पेशल फोर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसके कई शहरों को शमशान बना दिया गया है। रूस के 26 न्यूक्लियर बॉम्बार फाइटर जेट युद्धपोत और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के कई शहर धधकने लगे हैं। साथ ही पोलैंड और मोल्डोवा की तरफ भी मिसाइलें लॉन्च कर दी गई। पुतिन ने यह संकेत दे दिया है कि वो एक बड़े हमले की भूमिका तैयार कर चुके हैं। पूरे रूस सहित दुनिया के कई देशों का समर्थन हासिल करने के लिए इसे धर्म युद्ध में बदल दिया गया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। जिन पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक हथियारों के दम पर रूस के शक्ति सामर्थ्य से मुकाबला करने में जुटा, वो एक झटके में बेकार हो गया। रूस के तेहरे प्रहारों से पूरब से पश्चिम तक यूक्रेन में विनाश का अंधड़ चलने लगा। मार्च की सुबह रूस ने यूक्रेन पर एक साथ चार तरह से विध्वंसक हमले किए। रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए और बम बरसाए। रूसी एयरफोर्स की सुखोई स्क्वाड्रन ने पूर्वी यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों की वर्षा की। कैस्पियन और काला सागर से रूस की नेवी ने यूक्रेन के शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई। इसके साथ साथ रूस ने कई शहरों पर कामिकाजी ड्रोन से हमले किए। रूस ने सबसे पहले टीयू सीरीज के न्यूक्लियर बॉम्बर की स्क्वाड्रन से हमला शुरू किया। रूस के 3 एयरबेस से थोड़े थोड़े अंतराल में टीयू बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रूस ने TU-95MS, TU-22M3 और TU-22 बॉम्बर यूक्रेन पर हमला करने के लिए रवाना किए। रूस ने सुबह 4:07 पर कोला पेनिनसुला के ओलिनिया एयरफील्ड से 6 TU-95MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रवाना किए। सुबह 4:40 पर एंगल से अपेस से 8 TU-22M3 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके बाद 5:50 पर रूस के 12 TU-22 बॉम्बर ने कैस्पियन सागर के नजदीकी एयरबेस से यूक्रेन की तरफ उड़ान भरी। इसके 30 मिनट बाद यूक्रेन पर विध्वंसक मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई।
सुरक्षित दूरी से मिसाइलों की रेंज का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बर्स ने हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल हमलों से बड़ी तबाही हुई है। सुबह से अब तक दो दर्जन से ज्यादा परमाणु बॉम्बर अलग अलग ग्रुप में यूक्रेन में बमबारी कर रहे हैं। बॉम्बर्स के साथ साथ रूस के सुखोई विमानों ने भी ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हमले शुरू कर दिए। रूस ने ग्लाइडिंग बम से भी हमले किए। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस के साथ साथ नेवी ने भी यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। कैस्पियन सागर में तैनात रूस के युद्ध पोतों ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। इसके साथ साथ ब्लैक सी में तैनात नेवल फ्लीट ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर KH-101 और KH-555 मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार मिसाइलों के विस्फोट गूंजने लगे। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल हमलों से आग लग गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि यूक्रेन के कई रेडार स्टेशन इन हमलों को पूरी तरह ट्रैक और ट्रेस नहीं कर पाए। रूस ने यूक्रेन पर 60 से ज्यादा कामिकाजी शाहिद ड्रोन से हमले किए। 39 मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर बरसाई गईं। 17 KH-101 क्रूज मिसाइलें रूसी नेवी ने फायर की। कैस्पियन सागर से 5 KH-555 मिसाइलें दागी गईं। इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से भी 4 हमले किए गए, लेकिन यूक्रेन के रडार इन हमलों में से केवल 6 हमलों को ही ट्रेस कर पाए। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम एकाएक फेल कैसे हो गए? तो इसके पीछे है रूस के अत्याधुनिक हथियार का प्रहार, जिसे रूसी सेना ने हमलों से पहले एक्टिवेट कर दिया। यूक्रेन पर एयर और मिसाइल रेड शुरू करने से पहले रूसी एयरोस्पेस फोर्सेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन को सिग्नल सर्विस देने वाले सैटेलाइट को रूस ने हैक कर लिया। कमांड और कंट्रोल सेंटर में ऐसी तरंगें छोड़ी गई जिससे यूक्रेन को मिलने वाले सैटेलाइट के सिग्नल जैम हो जाए और यूक्रेन के कई रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम में खामी आ गई। रडार स्टेशन रूस के हमलों को ट्रेस नहीं कर पाए और एयर डिफेंस सिस्टम की प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलें भी सैटेलाइट सिग्नल ना मिलने की वजह से लॉन्च नहीं हो सकी, इसलिए रूस इतने बड़े और सटीक हमले करने में कामयाब हो गया। इतने बड़े पैमाने पर रूस के हमलों ने पूरे यूरोप में दहशत फैला दी है। यूरोप के कई नेटो देश अपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस चेक और अपग्रेड करने पर विचार करने लगे। क्योंकि रूस इससे पहले भी ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के विमान के कम्युनिकेशन और GPS सिस्टम को हैक कर चुका है। यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि रूस उनके रडार सिस्टम को जाम करके भी हमला कर सकता है। खास बात यह है कि नेटो देशों पर हमले की कोशिश 29 मार्च की सुबह ही हो चुकी है। रूस की दो क्रूज मिसाइलें मोल्दोवा की वायु सीमा में प्रवेश कर गईं। रडार सिस्टम पर मिसाइलें नजर आते ही मोल्दोवा में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। रूस की एक मिसाइल पोलैंड की तरफ भी बढ़ी। पोलैंड ने तुरंत फाइटर जेट उड़ाकर चेतावनी जारी कर दी। हालांकि रूस ने बाद में मिसाइल मैन्यूवर सिस्टम से उसका रास्ता बदल दिया।
ये संकेत है रूस अब नेटो देशों के रडार सिस्टम का टेस्ट कर चुका है और यूक्रेन की तरह उनके रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम भी हैक किए जा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में अब रूस की रणनीति है कि किसी भी तरह सेना को आगे बढ़ाया जाए। रूस की इन्फेंट्री को आगे बढ़ाने के लिए मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को काउंटर करने के लिए बम और मिसाइल हमले हो रहे हैं। अब यूक्रेन को जमीन बचानी है तो बड़े पैमाने पर सैनिक गंवाने होंगे। जंग लड़ने के लिए जरूरी सैनिकों को बचाना है तो जमीन गंवानी होगी। पुतिन की पांचवी जीत के बाद स्पेशल ऑपरेशन को फुल स्केल वॉर में बदल दिया गया है और अब इस वॉर को रूस के चर्च का समर्थन मिलने के बाद धर्म युद्ध का रूप दे दिया गया है। अट्ठाईस मार्च को रूस के सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र की हस्तियों की बैठक हुई। रूस के सबसे बड़े धर्म स्थल कैथेड्रल ऑफ सेवियर द क्राइस्ट में यह बैठक हुई। बैठक में रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च प्रमुख पैट्रियार्क किरिल ने युद्ध को होली वॉर यानी पवित्र युद्ध घोषित कर दिया। रूस के धर्मगुरु ने कहा है कि शैतानी शक्तियां आज ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के भविष्य पर हमला कर रही हैं। रूस दुनिया के 30 करोड़ ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय को भावनात्मक रूप से युद्ध से जोड़ना चाहता है। रूस ने पहले स्पेशल ऑपरेशन को फुल स्केल वॉर में बदला, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू किया और अब बाइडेन के खिलाफ धर्म युद्ध घोषित करके नेटो विनाश का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रंट लाइन पर मौजूद टैंक परंपरागत युद्ध जीतने की मशीन कहे जाते हैं। टैंक की इन्फेंट्री के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करते हैं, इसलिए बैटलफील्ड में सबसे आगे टैंक रहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस दोनों को टैंकों की जरूरत है और आगे रहने की वजह से ही टैंक सबसे पहले हमले का शिकार हो रहे हैं। रूस ने एक बार फिर अमेरिका से मिले अब्राम्स टैंक को ध्वस्त किया है। देखिए कैसे ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर टैंकों का शमशान बन चुकी है और कैसे पुतिन की सेना इनकी कमी को पूरा कर रही है। फील्ड के सारे अवरोध लांघकर आगे बढ़ने वाली ये दैत्याकार मशीनें जीत में अहम भूमिका निभाती हैं। दुश्मन के मोर्चे पर करीब जाकर हमला करना हो तो ये बख्तरबंद टैंक सबसे आगे रहकर हमला करते हैं। खंदक, कीचड़, पानी, इन सब में कारगर और सटीक काम करने वाली ये मशीन हर युद्ध की जरूरत है। और इसीलिए यूक्रेन के मददगार देशों ने उसे आधुनिक टैंकों की सप्लाई की। यूक्रेन को लेपर्ड, चैलेंजर 2 और अब्राम्स जैसे आधुनिक टैंक दिए गए, लेकिन रूस की रणनीति से फ्रंट लाइन इन टैंकों की शमशान भूमि बन चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 2024 में रूसी सेना यूक्रेन के कई आधुनिक टैंकों को तबाह कर चुकी है। रूसी सेना ने 28 मार्च को अमेरिका का अब्राम्स टैंक तबाह कर दिया। रूसी सेना ने शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन से अब्राम्स टैंक पर हमला किया।
2024 में रूसी सेना अमेरिका से यूक्रेन को मिले 5 अब्राम्स टैंक ध्वस्त कर चुकी है। अब्राम्स टैंक के अलावा अवदीपका के मोर्चे पर यूक्रेन के 2 टैंक, 2 इन्फेंट्री वाहन, 1 यूएस मेड M777 होविट्जर गन, 1 D-30 गन भी नष्ट हुए। अवदीपका को रूस के कब्जे से आजाद कराना यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है और इस मोर्चे पर भारी जंग जारी है। यूक्रेन ने इस मोर्चे को जीतने के लिए आधुनिक टैंकों की ब्रिगेड उतारी है और रूस का लक्ष्य है यूक्रेन के आधुनिक टैंकों को ध्वस्त करना। इसके लिए रूसी सेना 4 रणनीति अपना रही है। यूक्रेन के टैंकों पर कामिकाजी हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के टैंकों के सामने पुराने टैंक उतारे जा रहे हैं। यूक्रेन के टैंक ध्वस्त करने के लिए बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के टैंकों के नीचे स्टिकी बम लगाए जा रहे हैं। 2 साल से ज्यादा की जंग लड़ते लड़ते रूस को भी बड़ी तादाद में आधुनिक टैंक गंवाने पड़े। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट है कि अब तक रूस को 3000 टैंकों का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि फरवरी 2024 तक यूक्रेन के 860 टैंक ध्वस्त हुए हैं। रूस ने अब टैंक बचाने की नई रणनीति अपनाई है। रूस के जखीरे में सोवियत दौर के 3000 से ज्यादा टैंक आज भी हैं। अब इनको अपग्रेड करके फ्रंट लाइन पर लाया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि रूस ने सोवियत दौर के लागोडा सैन्य वाहन भी मोर्चे पर उतार दिए हैं। लागोडा सैन्य वाहन 1970 के दशक में बना था और इसके सोल्जर चैम्बर पर रेडिएशन का असर नहीं होता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कामिकाजे ड्रोन से रूस का ये वाहन नष्ट कर दिया गया। पुतिन ने इतना पुराना सैन्य वाहन भी रणनीति के तहत युद्ध में उतारा है। पुतिन जानते हैं कि युद्ध में रूस अकेला खड़ा है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से वाहनों की अबाध सप्लाई जारी है। इसीलिए पुतिन ने 3 स्तर का प्लान तैयार किया है ताकि T-90 जैसे आधुनिक टैंकों को मोर्चे पर भेजने से बचाया जा सके। पुतिन ने सोवियत दौर के टैंकों को अपग्रेड करके मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। रूस के पुराने टैंकों की मरम्मत की जा रही है। रूस ने 1940 में बने T-54, 1950 में बने T-55, 1960 में बने T-62 टैंकों को अपग्रेड कर लिया है ताकि नए टैंकों को जंग में उतारने से बचाया जा सके। 1960 और 70 के दशक में बने पुराने सैन्य वाहनों के सुरक्षा कवच अपग्रेड कर दिए गए। पुराने सैन्य वाहनों पर नई मशीन गन और लॉन्ग रेंज कैनन फिट कर दी गई है। इनका ड्राइविंग सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है ताकि इनसे कारगर हमले किए जा सके। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में हर 10 किलोमीटर पर रिपेयर सेंटर खोल दिए गए हैं ताकि फ्रंट लाइन पर जिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है उनकी तुरंत मरम्मत की जा सके। रूस की रणनीति है कि पुराने पड़ चुके वाहनों को बार बार रीफिट करके युद्ध के मोर्चे पर उतारा जाए। इससे यूक्रेन के साथ जंग में नए टैंकों को पूरी तरह नुकसान से बचाया जा रहा है, जबकि यूक्रेन के पुराने टैंक खत्म हो चुके हैं और वो विदेशी हथियारों पर निर्भर है। इसीलिए उसके आधुनिक टैंकों को पुरानी तकनीक और कामिकाजे ड्रोन से खत्म किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन अब हर कदम पर किम जोंग के साथ है। रूस से दोस्ती करने का किम को लगातार फायदा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने नॉर्थ कोरिया के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया और किम के लिए न्यूक्लियर टेस्ट को आसान बना दिया। बदले में नॉर्थ कोरिया से रूस को लगातार हथियारों की सप्लाई जारी है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका से बदला लेने के लिए रूस जल्द ही नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर धमाका करा सकता है।
बहुत जल्द सच होने वाला किम का बहुत पुराना ख्वाब। बेशुमार ताकत की चाहत रखने वाला तानाशाह अब और बेलगाम होने जा रहा है। अब परमाणु कार्यक्रम की निगरानी वाला पहरा खत्म होते ही किम जोंग एक जोरदार परमाणु धमाका कर सकता है। लेकिन खास बात है कि नॉर्थ कोरिया में परमाणु धमाके से सिर्फ किम जोंग को ही खुशी नहीं मिलेगी बल्कि पुतिन को भी सुकून मिलने वाला है। अब नॉर्थ कोरिया को लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज आई है उसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किम और पुतिन की दोस्ती कैसा धमाका करने वाली है। पहली ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि यूएन में रूस ने नॉर्थ कोरिया के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूएन के विशेषज्ञ नॉर्थ कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी नहीं कर सकेंगे। तीसरी बड़ी खबर है कि किम के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम रखना अब मुश्किल होगा। चौथी खबर है कि पुतिन ने अपने सबसे बड़े जासूस को नॉर्थ कोरिया भेजा है। रूस ने गाजा में युद्ध का हवाला दिया है और अमेरिका पर इसराइल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया है। पुतिन ने अमेरिका को गाजा वॉर पर घेरते हुए नॉर्थ कोरिया का पक्ष लिया। जबकि चीन ने वोटिंग से गायब रहकर नॉर्थ कोरिया को समर्थन दिखाया है। अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना नॉर्थ कोरिया के इलाके में कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी है। इस इलाके में अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की शक्ति का भी प्रदर्शन करता है और माना जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ही पुतिन किम के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कई इलाकों को चुना है। पुतिन नॉर्थ कोरिया में परमाणु परीक्षण कराने की तैयारी में है। चीन ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ाने की तैयारी में है। ईरान की मदद से रेड सी और सीरिया में यूएस पर दबाव बनाया गया है। हालांकि पुतिन का मकसद सिर्फ अमेरिका को जवाब देना नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से यूक्रेन युद्ध के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार हासिल भी करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में रूस ने अपने सबसे बड़े कार्गो विमान को भेजा है। 21 मार्च को विमान नॉर्थ कोरिया से रूस वापस लौटा। नॉर्थ कोरिया के बंदरगाहों से कई रूसी युद्धपोत भी रूस आ चुके हैं। नाटो रूस पर शिकंजा कसने के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है और इसके अलावा बाल्टिक देशों में डिफेंस सिस्टम लगाकर रूस की घेराबंदी कर रहा है। ऐसे में रूस ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें पश्चिमी देशों को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया गया है जो बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक फैला हुआ है। उधर लाल सागर से लेकर पीले सागर तक उसका दायरा है। इस रिपोर्ट में जानिए पुतिन का अभी तक का सबसे विध्वंसक प्लान जिसमें समंदर में नाटो के मंसूबों को डुबोने की पूरी तैयारी की हुई है। अगर नेटो समझ रहा है कि यूक्रेन में सैनिक भेजकर रूस को काबू में कर लेगा तो ये उसकी बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि नेटो के खिलाफ पुतिन ने तबाही का परमिट तैयार कर लिया है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे यूरोप में नेटो के सदस्य देश तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की घेराबंदी भी की जा रही है। बैटल ऑफ ब्लू जोन शुरू होने वाली है।
काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर के बाद अब युद्ध की आग पीले सागर से आर्कटिक महासागर तक फैलने वाली है। पुतिन का फोकस यूरोप पर है, लेकिन मिडिल ईस्ट और अमेरिकी प्रायद्वीप में अमेरिका को घेरने के लिए वो चीन और ईरान के साथ मिलकर एक विध्वंसक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। सीधे तौर पर जंग रूस वर्सेस अमेरिका होने वाली है। इसके लिए पुतिन ने दुनिया भर के समंदर में जबरदस्त तैनाती की है, क्योंकि रूस मान चुका है कि यूरोप में किसी भी देश पर हमला किया जाता है तो नेटो आर्टिकल 5 लागू करके रूस पर एक साथ हमला कर सकता है, और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। नेटो के 14 सदस्य देश यूक्रेन को F-16 की खेप देने जा रहे हैं। फ्रांस अपने सैनिक और मिराज 2000 भेज रहा है। स्वीडन ने लातविया अपनी सेना भेज दी है। जर्मनी बड़े पैमाने पर अपने हथियार यूक्रेन भेज रहा है। एस्टोनिया पहले ही यूक्रेन सैनिक भेजने की बात कह चुका है। नेटो ने ब्लैक सी में वॉर ड्रिल शुरू की है। यूक्रेन में नेटो ने कमांड सेंटर बना लिए हैं। इसके अलावा बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। साथ ही बाल्टिक और ब्लैक सी में नेटो ने युद्धपोत और सबमरीन उतार कर रूस को जबरदस्त चैलेंज किया है। यानी नेटो के हर फ्रंट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है, रूस की घेराबंदी करना कहीं नेटो के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। इस बारे में अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट एलब्रिज कॉल्बी का कहना है, हम पुतिन की धमकी को ज्यों का त्यों नहीं ले सकते, बल्कि खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मेरा मानना है कि रूस ईस्टर्न नेटो देशों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका और नेटो की घबराहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन का खौफ सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस अब अलास्का और कैलिफोर्निया वापस लेने की बात करने लगा है। रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोवयोव ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। यानी पुतिन सीधा अमेरिका से टकरा रहे हैं। ऐसे में नेटो सतर्क हो चुका है, कहीं यूक्रेन की वजह से खतरा सारे नेटो देशों तक न आ जाए। यही वजह है कि नेटो पहले डिफेंस लाइन बना रहा है, फिर वो रूस पर आक्रमण की तैयारी करेगा। नाटो काला सागर और बाल्टिक सागर को वॉर जोन में बदल सकता है, जिससे रूस का फोकस नाटो देशों से हट जाए। रूस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो यूक्रेन का सरेंडर कराकर अगला टारगेट कब फिक्स करता है, क्योंकि वहां सीधा मुकाबला नेटो से तय माना जा रहा है। अब वो टारगेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पुतिन ही जानते हैं, क्योंकि रूस अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहा है, जिससे वो नेटो के हमलों से न सिर्फ बच सके बल्कि तुरंत दुनिया में कहीं भी किसी भी देश पर हमला कर सके। पुतिन का ब्लूप्रिंट ऐसा है जिससे समंदर में बारूदी जंग के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जिनसे यूक्रेन रोमानिया मोल्डोवा पर हमला कर सकता है। इसके अलावा भूमध्य सागर में युद्धपोत और सबमरीन की तैनाती की है, जहां से फ्रांस, इटली, स्पेन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह नॉर्थ सी में रूसी युद्धपोत तैनात है, जहां से ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी पर टारगेट पर है, जबकि बाल्टिक सी में तैनाती करके बाल्टिक देश डेनमार्क, पोलैंड पर रूस हमला कर सकता है। साथ ही साथ नॉर्वेजियन सी से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड रूस के निशाने पर रहेंगे, और आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले बेरेंट और कारस सी में नाटो के वॉरशिप के सामने रूसी युद्धपोत तैनात है। रूस ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप के पीले सागर में युद्धपोत लगाकर अमेरिका को काउंटर किया है, जबकि अब लाल सागर में युद्धपोत भेजकर पुतिन ने ब्रिटेन, इजराइल, यूएस के युद्धपोत पर हमला करने की तैयारी कर ली है। रूस के मंसूबे को देखते हुए नेटो भी अपने सैनिकों की तैनाती सदस्य देशों में बढ़ा रहा है। इसके अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी में डिफेंडर ड्रिल कर रहा है, यहां तक कि स्पेन के पास रूस के युद्धपोत पहुंचने से पेंटागन में कोहरा मच गया है। अब नेटो वहां भी अपने युद्धपोत भेजने वाला है, यानी नेटो के हर मोर्चे पर रूस उसे चैलेंज कर रहा है।
इसी तरह पीले सागर और लाल सागर में रूस ने घेराबंदी की है। पीले सागर यानी कोरियाई प्रायद्वीप में नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका साउथ कोरिया और जापान से टकराने को तैयार है। वहीं रूस ने पैसिफिक फ्लीट से युद्धपोत लाल सागर में उतार दिया है, जो ईरान के साथ मिलकर टास्क फोर्स से टकराएगा, जबकि वहां होती पहले से ही टास्क फोर्स के लिए मुसीबत बना हुआ है। रूस के ब्लूप्रिंट से नेटो में खलबली मची हुई है, इसीलिए लाल सागर में नीदरलैंड्स ने अपना युद्धपोत भेजा है। साथ ही कई दूसरे देश भी वहां मजबूत किलेबंदी करने वाले हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। रूस ने आर्कटिक में अपनी रणनीति बदली है, जिसमें वो अपनी डिफेंस लाइन आर्कटिक में आगे बढ़ाने वाला है। जाहिर है इससे आर्कटिक काउंसिल के देशों में खलबली मची हुई है। आर्कटिक काउंसिल में 8 देश शामिल हैं, जिनमें रूस, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका शामिल हैं। रूस 3 चरणों में आर्कटिक रणनीति में बदलाव ला रहा है। पुतिन ने 2020 में इसे मंजूरी दी थी। अब दूसरा बदलाव 2025 में, फिर आगे तीसरा बदलाव 2031 में होगा। यही वजह है रूस आर्कटिक में लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है, बॉल ड्रिल से अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। इसके अलावा रूस ने प्रोपेगेंडा युद्ध भी तेज किया है। अब रूस ने अलास्का और कैलिफोर्निया पर अपना दावा फिर छेड़ा है, जिससे आर्कटिक से लेकर अलास्का तक घेराबंदी करके अमेरिका को काउंटर कर सके। दूसरी तरफ भूमध्य सागर से नॉर्वेजियन सागर तक यूरोप में अपना दबदबा बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।